दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने चैनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जिसे अभी भी चलाया जा रहा है। अब तक इस योजना में 30 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। 30 करोड़ लोग इस योजना से ऋण लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसे ऋण मिल सकता है, इस योजना में क्या प्रक्रिया है, इस पूरे विषय पर हम आपको विस्तार से बताएंगे आज। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत अच्छी योजना है। आप कोई व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। इसमें किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती, आपकी कोई भी संपत्ति इसमें बंधक नहीं की जाती है और आपको ऋण उपलब्ध हो जाता है। मित्रों, इसकी जो अदायगी की समय सीमा है वह 5 वर्ष की होती है और इसकी 3 कैटेगरी हैं। ₹50,000 तक इसे शिशु कैटेगरी में रखा गया है, ₹5,00,000 तक इसे किशोर कैटेगरी में रखा गया है और ₹10,00,000 अधिकतम है इस योजना का, उसे तरुण कैटेगरी में रखा गया है। आपका जैसा व्यवसाय होगा उस हिसाब से आपको ऋण मिल जाएगा। मित्रों, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, इससे पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक के जो भी बैंक है उसके जो ऋण अधिकारी महोदय होंगे उनके पास जाना होगा। जो भी लोन का विभाग देखते हैं आप उनके पास जाइए, उनसे अपनी बात रखिए, उनसे बोलिए कि महोदय मेरा ये काम है, मेरी ये दुकान है और मुझे उसे बढ़ाने के लिए ऋण की आवश्यकता है। आपका वो नाम पता के लिए आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक फ़ोटो, आपका फ़ोन नंबर और आपकी जो दुकान की या व्यवसाय की लोकेशन होगी वो पता आपसे अपनी डायरी में वो नोट कर लेंगे। जैसे ही उन्हें ब्रांच के काम से फुर्सत मिलेगी, शाखा कार्य निपटा के, वो आपके नंबर पर कॉल करेंगे और आपके पास आपकी शॉप पे आ जाएंगे। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का आवेदन किया है ऋण के लिए, तो आपके मांगने भर से 2 लाख रुपए बैंक आपको नहीं दे देगा। बैंक आपके पास जब अधिकारी आएंगे, आपकी दुकान देखेंगे, लोकेशन देखेंगे दुकान की, आपकी सेल देखेंगे और आपकी दुकान में पहले से उपस्थित कितना सामान है उसका भी आकलन वो करेंगे। जितना सामान आपकी दुकान में पहले से होगा उससे 2 गुना ऋण वो आपको दे सकते हैं, लेकिन वो बैंक पर डिपेंड होता है, वो कितना आपको देता है, वो आपको उसका 2 गुना ऋण दे सकते हैं। लेकिन लोकेशन सही होनी चाहिए, सेल अच्छी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का वो आकलन करते हैं कि कहीं बैंक का पैसा फंस तो नहीं जाएगा। आपकी सेल अच्छी नहीं है, आपने माल बैंक से पैसा ले लिया, आपने दुकान में सामान भर दिया लेकिन सेल नहीं हो पा रही, तो आपका पैसा फंस जाएगा, बैंक का पैसा फंस जाएगा, फिर आप भी अदायगी नहीं कर पाएंगे। तो बैंक इस सारी चीज़ को देखेगा कि आपका माल सही बिक रहा है, लोकेशन अच्छी है, तो आपको आपके सामान का आकलन करेंगे और आपको ऋण वो दे देंगे। अब उसके लिए डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया हम आपको बता दें। डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया यह है मित्रों, आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपका सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, बचत खाता उस बैंक में, और एक 100 रुपये के 3 स्टैंप लगेंगे जो बैंक के नाम खरीदे जाएंगे, बस। और आपका फाइल पे जो प्रपोजल होगा उस पर वो साइन करा लेंगे आपसे
और आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, आपको पैसा वो दो किस्तों में देंगे। मान लिया आपका उन्होंने 2 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया है, तो आपको 1 लाख रुपए आपके बचत खाते में डालेंगे, आप उसे विड्रा कर लीजिए। आपसे बोलेंगे आप अपना ये सामान ले आइए और इसका बिल ले आइए। इसका मतलब ये होता है कि आप जो 1 लाख रुपए बैंक से लेकर जा रहे हैं, ये कहीं गलत जगह पे तो खर्च नहीं कर रहे हैं। जिस पर्पज़ के लिए लिया है उसी पर्पज़ पे पैसा खर्च हो रहा है या नहीं। जब आप वो पैसा लेंगे, 1 लाख रुपए का सामान लाएंगे, उसका बिल आप लाकर जब बैंक को देंगे कि ये मैं सामान लाया हूँ 1 लाख रुपए का, तो बैंक आपको दूसरी किस्त भी जारी कर देगा। बैंक आपको 1 लाख रुपए और दे देगा, आप उसे फिर निकाल लीजिए और फिर सामान ले आइए। बैंक आपसे फिर कहेगा आप हमें एक बिल दे दीजिएगा, आप उसका भी बिल दे दीजिए। उसके बाद आपकी मंथली किस्त हो जाएगी 2 लाख रुपए का। 5 वर्ष में आपको बैंक डिवाइड कर देगा कि कितनी किस्त आपको देनी है। वो जो भी किस्त होगी आपकी, वो आपको हर महीने अपने खाते में, लोन खाते में डालने हैं। 5 वर्ष में आपका ऋण अदा हो जाएगा। एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों कि आपका सिबिल स्कोर बहुत मायने रखता है। आपका सिबिल स्कोर ख़राब नहीं होना चाहिए। सिबिल स्कोर अगर अच्छा होगा तो ही आपको ऋण उपलब्ध हो पाएगा। वो आपका सर्वे करने के बाद जब वापस जाएंगे तो आपका सिबिल स्कोर वो अवश्य चेक करेंगे। सिबिल स्कोर आपका 675 से नीचे नहीं आना चाहिए। जब सिबिल स्कोर आपका 675 से ऊपर होगा तब आपको ऋण वो देंगे। अगर उससे नीचे आता है, सिबिल स्कोर ख़राब है आपका, आप किसी अन्य बैंक से लोन लिए हैं और वो खाता आपने सही नहीं चलाया है, डिफ़ॉल्टर हैं, तो आपको बैंक ऋण उपलब्ध नहीं करा। अब हम बात करें ब्याज दर की, तो इसकी जो ब्याज दर है ₹50,000 तक, पहली बात तो ये समझ लीजिए ₹50,000 तक आप कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए भी इस ऋण को प्राप्त कर सकते हैं। 50,000 से अधिक ऋण लेने के लिए आपका व्यवसाय पहले से वो इकाई लगी होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी दुकान कोई है तो वो चल रही होनी चाहिए, आप उसमें अपना पैसा लगा चुके हों, उससे ऊपर ऋण तभी आपको मिल पाएगा। ₹50,000 तक आप कोई भी काम शुरू करने के लिए बैंक से पैसा ले सकते हैं। दूसरी बात मित्रों, ₹50,000 तक जो ब्याज दर है वो 9.5% 9.5% और उसके ऊपर 12% के आसपास आपको ब्याज देना होगा। दोस्तों, मुद्रा ऋण बिना किसी गारंटी का ऋण है। इसमें आपकी कोई भी संपत्ति बंधक नहीं की जाती, जैसे मकान, दुकान, लैंड, इस तरह की कोई भी आपकी संपत्ति या फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, ऐसा कुछ भी आपका बंधक नहीं किया जाता है बैंक के पास। और इसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग शुल्क नहीं देना होता है। आपका लोन हो गया, उसके बाद आप अपनी किस्तें जमा करिए, कोई शुल्क नहीं है इसका कि लोन के लिए आपका कोई प्रोसेसिंग शुल्क हो, ऐसा नहीं है। मेरी समझ से मित्रों मुद्रा ऋण योजना पर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है इस पर। अगर फिर भी अगर कोई टॉपिक छूट गया है मुझसे तो आप मुझे कमेंट करिए, हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।